हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले गिम्बल को बैलेंस, और मैं आपको बताऊंगा हम किसी भी गिम्बल को कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपने डीएसएलआर के लिए, और ये भी बताऊंगा कि रील मोड में कैसे बैलेंस कर सकते हैं। काफी बार आप लोग मेरे को पूछते हैं कि हम गिम्बल को कैसे बैलेंस करें। काफी इजी है यार। पहले तो आपने सभी अपने गिम्बल के जो एसेसरीज है ना, उनको आपने अटैच कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे DJI Ronin RS3 Pro, और इसको हम यहाँ पे पहले अटैच कर लेते हैं सारी इसकी जो भी एसेसरीज होती है। ये आ गया हमारा गिम्बल का हेड, और यहाँ पे हमें मिलता है इसका बैटरी ग्रिप एंड ये एक स्टैंड, और यहाँ पे इसका आ गया ये बेस प्लेट, और यहाँ पे आ गया ये कैमरे के लिए नीचे बेस का माउंट। तो अभी ये चीजें लगा के हम बैलेंस करने वाले हैं। पहले सभी कैमरे के साथ जो भी एसेसरीज मिलती है, पहले आपने उस चीज को अटैच कर लेना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बैलेंस कैसे करना है। इसको रख देते अभी हम साइड में। तो यहाँ पे हमारा गिम्बल आ जाता है Ronin S3 Pro को हमने कैसे बैलेंस करना है, पहले तो हमने इसको अटैच करना है। उसको अटैच करना काफी सिंपल है, बस इसको हमने यहाँ पे लॉक को ओपन करना है। ओपन करके बस इसको पुश कर देना है, देन इसको लॉक कर देना है। ये अटैच हो गया, देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसके स्टैंड को अटैच कर देना है। ओके, देन बस हम इसको रखेंगे और इसके सभी लॉक को हम ऑन कर लेंगे एंड अपने हिसाब से जो है सेट कर लेंगे। कई गिम्बल में इनके लॉक नहीं होते, तो हम अपने हाथ से इसको पकड़ के ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले इसमें लगेगा ये बेस प्लेट, तो इसको हम लगा लेते हैं। डन, ओके। एंड उसके ऊपर अभी ये लगेगा हमारा कैमरे के नीचे, तो इसको हम कैमरे में पहले माउंट कर लेते हैं। अब इसको हमने लगाना है ऐसे। तो अभी आप देख सकते हो हमारा कैमरा बैलेंस नहीं है। तो अभी इसको हमने बैलेंस कैसे करना है, पहले ये एक्सिस देखना हमने, ये नीचे को हो रहा है, तो पहले हम इसको ढीला करेंगे, देन इसको हम अभी पीछे करेंगे। तो आप देख सकते हो ये वाला अभी बैलेंस हो चुका है, सही लग रहा है। ओके, तो इसको लॉक कर देंगे। अभी साइड में टेढ़ा है, तो अभी साइड वाला एक्सिस को हम ढीला करेंगे, देन इसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। जिधर को गिर रहा है तो ऐसे पीछे करेंगे एंड हल्का हल्का, अभी उधर ज्यादा हो गया तो इसको थोड़ा सा सेट करेंगे ऐसे। देन ओके, ये भी हो चुका है। अभी इसके बाद हमने चेक कैसे करना है बैलेंस हो गया, वो भी आपको बताऊंगा। देन ये दो होने के बाद अभी हमने थर्ड करना है ये वाला, जैसे कि ये एक साइड नीचे हो रहा है, इसको भी हमने यहाँ से ढीला करना है। देन इसको हमें सेट करना है कि देखना है कि कैमरा जैसे अभी इधर गिर रहा है, तो इसको हमें सेट करना है। तो मैं लास्ट 5 ईयर से गिम्बल को रेगुलरली बैलेंस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बैलेंस कर पा रहा हूँ। नहीं तो आपको स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, बाद में आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी बैलेंस कर पाओगे। अभी लास्ट जो है हमारा ये वाला है, और यहाँ से इसको हमने लॉक को ऑन कर लेना है। देन अभी इधर वेट पड़ रहा है, तो हमें इसको भी यहाँ से सेट करना है। तो आप ये देख सकते हो ये भी बैलेंस हो चुका है, और उसके बाद हम इसको कर देंगे लॉक। तो अभी चेक करने का तरीका ये है, तो कि हम अभी यहाँ पे चेक करेंगे कि हम अपने कैमरे को जिस एंगल में रखेंगे, अभी इधर वाला थोड़ा बैलेंस नहीं हुआ है, वो चेक कर लेते हैं। डन, अभी हम क्रॉस चेक करेंगे कौन सा एंगल बैलेंस है कौन सा नहीं। अभी इसको हम अगर ऐसे रखेंगे तो इससे रुकना चाहिए, ये अगर ऐसे रुकेंगे ऐसे रुकना चाहिए, ऐसे रखेंगे तो इसको ऐसे रुकना चाहिए। यानी कि आप जिस भी एंगल में गिम्बल को रखो वो वहां पे स्टिल होना चाहिए, तब आपको पता चले आपका गिम्बल बैलेंस हो चुका है। तो काफी इजी तरीका था, और उसके बाद हमें इसको ऑन कर देना है सिंपली। तो ये ऑन हो चुका है, उसके बाद आप अपने गिम्बल को कैलिब्रेशन करके स्टार्ट कर सकते हो यूज करना। और बाकी इसके काफी फीचर है RS3 Pro के, अगर आप चाहते हो इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके हो तो मुझे कमेंट में बताना। और अगली वीडियो आने वाली है आप बेस्ट गिम्बल सिनेमैटिक वीडियो शूट के ऊपर, और इससे पहले मैंने बनाई थी गिम्बल की अनबॉक्सिंग। तो आप मुझे कमेंट में बताते रहना किन चीजों के ऊपर वीडियो चाहिए, तो उनके ऊपर मैं लेके आऊंगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।